नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में। मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा कमाल थे क्योंकि ये केकेआर के थे और सनराइजर्स हैदराबाद के थे। और इस मैच में देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद को चारों थाने जीत कर दिए। उसके बाद बयान सुनिए पैट कमिंस का। वो पैट कमिंस जो लखनऊ के काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से हरा के आए थे, और देखिए इसलिए कोलकाता नाइट राइजर्स से हारा सनराइजर्स हैदराबाद, इसका खुद गुस्से में बयान करते हुए नजर आए और सभी को यह बता दिया जो कि किस वजह से, किस कारण से आखिरकार हारा। और देखिए आपको बता दें, पैट कमिंस कह रहे हैं सुनील नारायण ने इसमें बल्लेबाजी ना किए, एक विकेट ले लिए थे। पैट कमिंस ने इस मैच में गेंदबाजी में कोई धार नहीं देखी। और उससे पहले आपको बता दें, भुवनेश्वर का पावर प्ले में ही रिव्यू खत्म हो गया था। दूसरी तरफ से आपको बता दें, इस मैच में मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए, श्रेयस अय्यर ने 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी किए, साथ में श्रेयस अय्यर भी 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी किए और अपने टीमों को लास्ट तक के खड़े रहे और 13 ओवर में 160 रनों का लक्ष्य चेस हो गया और जीत गए। और इस मैच जीतने के बाद डायरेक्टली फाइनल में अब पहुंच चुके हैं केकेआर, और उसके बाद अब नीचे क्या होता है क्योंकि आरआर और आपको बता दें आरसीबी है। अगर आरसीबी जीती है तो फिर से सनराइजर्स हैदराबाद को हराना होगा, उसके बाद फाइनल में जाएंगे और उसके बाद जीतना होगा। यानी कि आरसीबी को लगातार यहां से 3 मैचे जीतनी होगी, तभी उनके पास ट्रॉफी होगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें तो उम्मीद है जो कि आरसीबी ट्रॉफी ले भी लेगी और आरसीबी जीतेगी। तो चलिए दोस्तों, आई होप अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।